मर गई पर चरित्र पर आंच नहीं आने दिया। ये शिक्षा रही है भारत की, ये शिक्षा। ये नहीं कि मैडम पढ़ने गई और वहीं शादी वादी करके आ गई और शादी भी कर लिया, मां बाप को भी नहीं बताया और शादी करने के बाद पता चला जिससे करी वो ऑलरेडी शादी शुदा है। ये हो रहा है आजकल। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कुछ लोग बड़े होशियार बनते हैं, बच्चों को आप लोग बताते ही नहीं चरित्र क्या होता, बताओ समझाओ सिखाओ, ना सीखें कथा सुनवाओ या दास बताएगा। नामकरण संस्कार भगवान का हुआ, हमारे जीवन संस्कार से बंधा है, संस्कार की बेड़ियों से बंधा है। आप बताइए आप स्वतंत्र हैं या नहीं, जोर से आप में से कितने लोग स्वतंत्र हैं हाथ उठाओ। स्वतंत्र हैं आपकी, यही स्वतंत्रता आपकी बर्बादी का कारण है। आप हमसे पूछें कि आप स्वतंत्र हैं, हम कहेंगे नहीं हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम संस्कारों के अधीन हैं, हम परतंत्र हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, मुगलों की गुलामी, उससे तो हम आजाद हो गए, पर हम अभी अपने आप को आजाद नहीं करना चाहते, हम संस्कारों की गुलामी करना चाहते हैं। हम किसके गुलाम बनना चाहते हैं, जोर से। और जो स्वतंत्र हो गया, संस्कार की बेड़ियां तोड़ दी, अब मैं आपको स्वतंत्र दो लोगों के नाम बताता हूं। बताइए भगवान राम स्वतंत्र थे या नहीं, उत्तर दो। भगवान राम स्वतंत्र थे या नहीं, उत्तर सब लोग दो अपने अपने विचार से। उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो मेरी मां। नहीं, भगवान राम स्वतंत्र नहीं थे, भगवान राम भी मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। यदि स्वतंत्र होते तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहा जाता। राम मर्यादा की बेड़ियों में, अरे मर्यादा ही थी तब ना मां के कहने से 14 साल के लिए निकल गए, वरना आज के बेटे को मां कह दे कुछ भला मान ले बेटा, आजकल का तो बेटा मां कोई बाहर का रास्ता दिखा देता, चल बाहर मेरी पत्नी ने कहा तुझे बाहर निकालने का, चल। राम जी स्वतंत्र नहीं थे, मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। इसलिए आप भी अपने आप को स्वतंत्र मत कीजिएगा, आप भी मर्यादा संस्कारों की बेड़ियों में बंधन में जकड़ के रखिएगा अपने आप को। जरा भी आजाद कर देंगे ये मन बड़ा चंचल भाग जाएगा कहीं का कहीं। अब मैं दूसरे का नाम बता रहा हूं, बताइए सूपनखा स्वतंत्र थी या नहीं, उत्तर दीजिए। मैया भैया आप सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोच के बोलिएगा, सूपनखा स्वतंत्र थी या नहीं, उत्तर दो, हां या ना, और जोर से हां या ना। हां कह रहे हैं आप लोग, गलत उत्तर है। 20 करोड़ हार गए आप। राम जी स्वतंत्र नहीं थे जबकि सूपनखा स्वतंत्र थी। सूपनखा क्या थी, स्वतंत्र थी। वो चाहे जिस पुरुष के पास चली जाए, जिससे जाकर कह दे आई लव यू, राम जी से कहे तो रही है तोसम पुरुष ना मोसम नारी,
कह रही है। तो जो आदमी जिसे धर्म का डर नहीं है, जिसे संस्कारों का डर नहीं है, जिसे कोई मर्यादा जिसकी नहीं है, अरे हर आदमी थोड़ी किसी से जाके कह देगा कि तुम बहुत अच्छे हो, हमसे शादी कर लो। सूपनखा स्वतंत्र थी, इसलिए उसने जाकर राम जी के सामने प्रस्ताव रखा, तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने प्रस्ताव ठुकराया तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, तुम बड़े सुंदर हो। अब देखो जरा, या तुम मिल जाओ या तुम मिल जाओ, किसी से भी हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो और ये सूपनखा, इसकी शादी पहले हो चुकी थी, और राम जी बोले तुम्हारी शादी हो गई ना, हम तो कुमारी है। लो, जैसे आजकल की कुछ लोग, आजकल कुछ लोग शादी के बाद भी मांग नहीं भरती है, चूड़ियां नहीं पहनती, हम तो कुमारी हैं, ये सब सूपनखा की वंशज हैं, स्वतंत्र हैं। ये सब कौन हैं? स्वतंत्र हैं। जिसको मना उसको आई लव यू कह दो, स्वतंत्र हैं ये, सूपनखा की तरह। सूपनखा कहती है राम जी से विवाह कर लो, राम जी बोले नहीं करेंगे तेरे से विवाह, हमारी पत्नी है। ये देखो ये मर्यादा, राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, वो बंधे हैं मर्यादा में कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी क्या मर्यादा, गृहस्थी की क्या मर्यादा है, एक पत्नी के बाद दूसरी नारी को मां बहन बेटी के रूप में देखना है, ये मर्यादा है। जबकि सूपनखा की शादी हो गई फिर भी वो कहती है, उसका पति मर गया था, विद्युत जिहवा नाम था सूपनखा के पति का, रावण ने मार दिया था, कह रही है मैं कुंवारी हूं, लो झूठ बोल रही, और भगवान से लो। ये स्वतंत्र है। आजकल जो लड़की जो लड़का कहते हैं ना, हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी का कोई दबाव नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, साहब स्वतंत्र रहने वाला या रावण बनेगा या सूपनखा बनेगी, महिला होगी तो सूपनखा और पुरुष होगा तो रावण। ये स्वतंत्र, रावण भी स्वतंत्र था, जो मन में आया करता था, किसी की बात नहीं मानता था, बाप की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता, हनुमान जी समझाने गए नहीं माना, राम जी समझाए नहीं माना, अंगद जी समझाए नहीं माना, विभीषण जी समझाए नहीं माना, माल्यवंत जी ने समझाया नहीं माना, विश्रवा ने समझाया नहीं माना, बाप की नहीं माना उसने, स्वतंत्र है। रावण स्वतंत्र है, सूपनखा स्वतंत्र है, जबकि राम जी स्वतंत्र नहीं है। आज के जो लड़के लड़कियां कहते हैं हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, साहब मर्यादा की और संस्कारों की बेड़ियों में ही बंद कर रहना, बंधन में रहना संस्कारों के, तो सुखी रहोगे, बंधन में रहोगे संस्कारों के और मर्यादा के तो राम बनोगे, और बंधन में नहीं रहोगे संस्कारों के तो सूपनखा और रावण बनोगे। इसलिए संस्कारों का बंधन स्वीकार करो। किसका बंधन? संस्कारों का। जो लड़की कहती है ना मैं अपने माँ बाप के बंधन में नहीं हूं, मुझे कोई दबाव नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं, वो आज नहीं कल सूपनखा जरूर बनेगी, कहीं ना कहीं नाक जरूर कटाएगी अपनी। और रावण, ये दोनों भाई बहन एक से थे, ये दूसरे पुरुषों को देखती थी और वो दूसरी महिलाओं को देखता था, दोनों के संस्कार अच्छे नहीं थे भाई बहन के। क्यों, क्या कहते हैं आप? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरा मेरी बात समझा देना, बेटा तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मां बाप के सम्मान का दबाव है, कुल खानदान की इज्जत है। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध है, मेरे साथ किस किस की इज्जत जुड़ी है बताओ? मेरे साथ मेरे कुल खानदान की इज्जत है, मेरे गुरुजी की इज्जत है, मेरे उन तमाम भक्तों की इज्जत है जो मेरा आदर करते हैं, जो मुझे अपना पुत्र अपना भाई मानते हैं, उनकी भी इज्जत मेरे से। यदि मैं यदि सही रास्ते पर चलूंगा तो मेरे सही रास्ते पर चलने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, और मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ूं तो आपकी इज्जत घटेगी। एक इंसान से
कितने लोगों का सम्मान जुड़ा होता है, हाँ या ना। उसी प्रकार एक लड़की से, एक लड़के से उसके माँ बाप खानदान कुटुंब परिवार तमाम लोगों का सम्मान जुड़ा होता है। मेरी माँ मेरी बहनों, गलत काम ना किया करो। तुम एक हो पर तुम्हारे एक होने से तुम्हारे पूरे कुटुंब खानदान का तुमसे सम्मान जुड़ा है, पूरे गांव का। एक लड़की गांव में गलत काम कर दे तो पूरा गांव बदनाम होता है, परिवार तो होता ही है। एक लड़की गलत काम कर दे तो उसके पूरे परिवार में बदनामी हो जाए। तुम्हारे परिवार की लड़की ऐसी है, उसके परिवार में लड़का लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है शादी विवाह के लिए। अरे तुम्हारे खानदान की लड़की भाग गई, पता नहीं दूसरी भी ऐसी होगी, पता नहीं तीसरी भी ऐसी होगी। एक लड़की के गलत निर्णय लेने से पूरा कुटुंब बदनाम हो जाता है, खानदान। तो क्या हम बदनाम करने आए हैं? एक इंसान से सबकी इज्जत लगी होती है। मेरी माँ मर जाना मेरी बहनों बेटियों, पर अपने चरित्र पर कभी उंगली ना उठने देना, अपने चरित्र पर कभी दाग ना लगने देना। यही जब थोड़ा जियो, मर जाओ सम्मान से मर जाओ, चरित्रहीन होकर के जिंदा रहने से भी कोई फायदा नहीं। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, बोलो मेरे संग, प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। आप मानते हैं इस बात को कि आपसे आपके पूरे परिवार का सम्मान जुड़ा है? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक इंसान से उसके पूरे घर परिवार कुटुंब खानदान गांव इज्जत जुड़ी होती है एक आदमी से, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हाँ या ना, जुड़ा है। एक की गलती तमाम लोगों को रुलाती है, एक की गलती लोगों को रुलाती है। मैं अच्छा करूंगा तो मेरे अच्छाई से आप लोगों का भी नाम ऊंचा होगा कि हाँ हमारे भारत में ये अच्छा कर रहे हैं, हम भी करेंगे। एक आदमी सही करता है 10 लोगों को बल मिलता है। और एक आदमी, अभी आपने देखा होगा कुछ लोग जिन्होंने गलतियां की, जिन्हें जेल मिला, उनके कारण आज कितने लोगों को रोना पड़ा, कितने लोग हमारे धर्म पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई। एक की गलती के कारण धर्म तक बदनाम हुआ। एक आदमी गलती करता है और धर्म तक बदनाम हो जाता है। एक से एक की कितनी कीमत है, समझो। उनसे जुड़े जितने लोग वो जेल में हैं, उनने कभी सोचा नहीं कि उनसे लाखों लोग जुड़े हैं। लाखों लोगों की श्रद्धा आपसे है, आप गलत काम करेंगे तो लाखों लोगों की श्रद्धा का क्या होगा? एक्चुअली होता यह है कि जब एक आदमी गलत करता है ना, तो उससे जुड़ी जो श्रद्धाएं लोगों की होती हैं, वो व्यक्ति अपनी गलती से उनकी श्रद्धाओं का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। हत्यारा है वो, जो लोगों की श्रद्धा को तोड़ दे, नष्ट कर दे, मार डाले। इसलिए मर जाना श्रेष्ठ है, चरित्र पर, आपके चरित्र पर उंगली न उठनी चाहिए। चरित्र का पाठ पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ, चरित्रवान बनो और औरों को चरित्रवान बनाओ। आपसे बहुत लोगों का सम्मान जुड़ा है, आप लोगों से बहुत लोगों की इज्जत जुड़ी है, आपसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को ना तोड़िएगा। आपसे बहुत लोगों का विश्वास है, औरों का विश्वास ना तोड़िएगा। ये बात सब पर लागू है, मुझ पर भी, आपके बेटे पर भी और आपकी बेटी पर भी, आप पर भी। यदि एक शिष्य गलत करता है तो गुरु भी, गुरु, अरे आपका शिष्य ऐसा कर लिया, आपने क्या पढ़ाया था, आपने क्या सिखाया था, आपने क्या ज्ञान दिया था इसे। इसलिए आप जितने लोग यहां बैठी हो, मेरी मां बहन बेटी हो, आपके सम्मान से मेरा सम्मान है और मेरे सम्मान से आपका सम्मान है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखें। जय श्रीमन्नारायण। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए।